तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बांग्लादेश में तख्त पलट होते ही हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। बांग्लादेश की नई सरकार ने अजान के वक्त हिंदुओं के पूजा करने पर बांग्लादेश में लगाई रोक। शिमला मस्जिद को लेकर मुसलमानों ने पलट दिया पूरा खेल, कहा अगर मस्जिद अवैध हुई तो हटा लेंगे निर्माण। इसराइल के हवाई हमले में संयुक्त राष्ट्र के 6 कर्मचारियों की मौत, तो भड़के यूएन महासचिव, बोले इसराइल को नहीं करेंगे बर्दाश्त, अब करेंगे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को रद्द कराने के लिए मुस्लिम संगठन एनडीए शासित राज्यों में करेंगे सभाएं, बिल के विरोध में करेंगे बड़ी अपील। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर देर रात बीजेपी ने तीसरी, कांग्रेस पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में तख्त पलट होते ही हिंदुओं को लगा झटका। अजान के वक्त बांग्लादेश में हिंदू नहीं कर सकेंगे पूजा, सरकार ने लगाया बैन। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में तख्त पलट होते ही हिंदुओं को आज बड़ा झटका बांग्लादेश से लगा है। दरअसल आपको की बांग्लादेश की सरकार ने एक तुगलकी फरमान बांग्लादेश में जारी किया है, जिसने हिंदुओं की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की नई सरकार ने अजान के वक्त हिंदुओं के पूजा करने पर रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आदेश जारी किया है कि अजान के वक्त कोई भी पूरे बांग्लादेश में हिंदू पूजा नहीं कर सकेगा। अगर कोई पूजा करते हुआ पकड़ा जाएगा तो उसको कठोर सजा दी जाएगी और उसे जेल में डाला जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बांग्लादेश की नई सरकार का मानना है कि अजान के वक्त हिंदू लाउड स्पीकर बजाकर पूजा करते हैं, जिससे मुसलमानों को काफी परेशानी होती है और इसलिए अजान के वक्त अब हिंदुओं के पूजा करने पर ही रोक लगा दी गई है। अब देखते हैं बांग्लादेश में आगे क्या कार्रवाई सरकार करती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शिमला मस्जिद को लेकर मुसलमानों ने पलट दिया पूरा खेल, कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद और अन्य मस्जिदों के इमामों ने अपना ज्ञापन आज देश को दिया है, जिसमें उन्होंने मस्जिदों के अवैध हिस्सों को खुद ही हटाने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए मौलाना ने कहा कि आज मुल्क को भाईचारे की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, शायद इतनी कभी नहीं रही होगी। उन्होंने कहा कि वक्त की ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए हमने ये फैसला लिया है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला की संजौली मस्जिद में अगर अवैध निर्माण पाया जाता है तो वो खुद ही इसको तोड़ देंगे। अगर अवैध निर्माण नहीं पाया जाएगा तो वो इस मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अगर अवैध निर्माण थोड़ा बहुत भी पाया जाएगा तो वो उस हिस्से को मस्जिद के हटा देंगे। दरअसल आपको बता दें कि शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर काफी दिनों से हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मस्जिद को अवैध बताते हुए सरकार से तोड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब मौलाना ने ही सामने आकर कह दिया कि अगर मस्जिद का जो भी पार्ट अवैध पाया जाएगा तो उसको हम हटा लेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल के हमले से 6 संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की मौत, तो भड़का महासचिव, बोला बिल्कुल बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 11 महीने से जंग चल रही है और ये जंग गाजा पट्टी में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए जो संयुक्त राष्ट्र ने मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत इजराइल की सेना ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों पर ही हमला कर दिया। इस हमले में 6 संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के 6 कर्मचारियों की मौत के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इजराइल को फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने कहा है कि इन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन को रोकने की जरूरत है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका एक पोस्ट भी डाला है और कहा है कि एक स्कूल में किस तरह से इजराइल की सेना ने हमला किया जिसमें हमारे कर्मचारी मारे गए हैं, अब इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा चुनाव को लेकर देर रात बीजेपी ने तीसरी, कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बुधवार देर रात तीसरी और अंतिम सूची जारी की है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, वहीं कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस तरह कांग्रेस ने अब तक 86 उम्मीदवार घोषित किए हैं। 4 नामों पर अभी भी सस्पेंस है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर मुसलमान करेंगे एनडीए शासित राज्यों में बैठक। जो दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि वह मुस्लिम संगठन एनडीए शासित राज्यों में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़ी जनसभाएं करेंगे और मुसलमानों से अपील करेंगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसका विरोध करें। दरअसल आपको बता दें कि जमते उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की बैठक हुई थी। इसी बैठक में उन्होंने दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश में बड़ी सभाएं करने का ऐलान किया है। इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित और देश के कई राज्यों में जाने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि वह सभी धर्मों के लोगों से मिलकर इस बिल को खारिज करवाएंगे और किसी भी कीमत पर इसको पास नहीं होने देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों का किया ऐलान। विनेश फोगाट के खिलाफ WWE रेसलर को मैदान में उतारा। जय दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसी के साथ ही पार्टी अब तक कुल 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने लाड़वा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ जोगा सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से मेवा सिंह को टिकट दिया है, जबकि जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के खिलाफ WWE रेसलर कविता दलाल को टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है। गुरुग्राम से निशांत आनंद को मैदान में उतारा है, यानी जितने भी रेसलर हैं अब इनकी आपस में फाइट होने वाली है हरियाणा विधानसभा चुनाव में। पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 11 महीने से जंग चल रही है और ये जंग गाजा पट्टी में खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद के लिए जो संयुक्त राष्ट्र ने मुहिम चलाई है, उस मुहिम के तहत इजराइल की सेना ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों पर ही हमला कर दिया। इस हमले में 6 संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के 6 कर्मचारियों की मौत के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इजराइल को फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख ने कहा है कि इन अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन को रोकने की जरूरत है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका एक पोस्ट भी डाला है और कहा है कि एक स्कूल में किस तरह से इजराइल की सेना ने हमला किया जिसमें हमारे कर्मचारी मारे गए हैं, अब इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा चुनाव को लेकर देर रात बीजेपी ने तीसरी, कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। जय दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बुधवार देर रात तीसरी और अंतिम सूची जारी की है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, वहीं कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम है। इस तरह कांग्रेस ने अब तक 86 उम्मीदवार घोषित किए हैं। 4 नामों पर अभी भी सस्पेंस है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर मुसलमान करेंगे एनडीए शासित राज्यों में बैठक। जो दोस्तों आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया है कि वह मुस्लिम संगठन एनडीए शासित राज्यों में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ बड़ी जनसभाएं करेंगे और मुसलमानों से अपील करेंगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसका विरोध करें। दरअसल आपको बता दें कि जमते उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की बैठक हुई थी। इसी बैठक में उन्होंने दिल्ली, बिहार, आंध्र प्रदेश में बड़ी सभाएं करने का ऐलान किया है। इसी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित और देश के कई राज्यों में जाने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि वह सभी धर्मों के लोगों से मिलकर इस बिल को खारिज करवाएंगे और किसी भी कीमत पर इसको पास नहीं होने देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों का किया ऐलान। विनेश फोगाट के खिलाफ WWE रेसलर को मैदान में उतारा। जय दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसी के साथ ही पार्टी अब तक कुल 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है।
दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने लाड़वा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ जोगा सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट से मेवा सिंह को टिकट दिया है, जबकि जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट के खिलाफ WWE रेसलर कविता दलाल को टिकट आम आदमी पार्टी ने दिया है। गुरुग्राम से निशांत आनंद को मैदान में उतारा है, यानी जितने भी रेसलर हैं अब इनकी आपस में फाइट होने वाली है हरियाणा विधानसभा चुनाव में।